दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन या आप इसे अंडरटेकिंग भी कह सकते हैं, जो फॉर्म है वो केवल आपका ये जो सीटी का एडमिट कार्ड है ना, उसी के अंदर 4 नंबर पेज पर है, उसी को ही कहा गया है। कुछ कैंडिडेट ये कह रहे थे कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसे डाउनलोड करके लगाएं साथ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। एनटीए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसके ऊपर तो सीटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आपको कोई एक नाम भी सीटी से जुड़ा हुआ वहाँ नहीं मिलेगा। पीडीएफ मिलने की बात तो दूर है। जो कहा गया है वो एनटीए की वेबसाइट का मतलब सिर्फ इतना ही है, जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होने का लिंक दिया गया है उसी को एनटीए की वेबसाइट कहा गया है, और उसी पर ये जो आपका 7 पेज का एडमिट कार्ड है यही है। आप चाहें तो 7 के 7 पेज लेके जा सकते हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं लगने वाला है। और जो अंडरटेकिंग का फॉर्म बता रहे हैं वो 4 नंबर पर ये जो दिया गया है सिर्फ यही है। इसके अंदर आई के बाद आप अपना नाम लिख देंगे और रेजिडेंट ऑफ के अंदर आप अपना पता या आपका गांव का या जो भी आपका जिला है, शहर है, जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं वो आप इसके अंदर लिख देंगे। बाकी के जो सारे कॉलम हैं इसके अंदर, बुखार वगैरह के, खांसी वगैरह के, ये आप खाली छोड़ देंगे और नीचे सिग्नेचर कर देंगे। और जो अलग से पीडीएफ या एक पेज बताया जा रहा है वो एचएसएससी के पीछे के एग्ज़ाम का होगा, अगर वो भी आप भरना चाहे तो भर के उसको भी साथ दे जा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप ये 7 पेज लेकर जाएं, इसी से आपका काम चल जाएगा। इसको लेकर आपको कन्फ्यूज़ होने की या किसी प्रकार के चक्कर में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लास्ट अपडेट थी इसके बारे में। लगातार अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।